नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। पेशानी पर बहता पसीना, दिलों की बढ़ी हुई धड़कन, ऊपर वाले से अरदास और कांपते घुटने, ये सब रिपोर्ट कार्ड के आने से पहले के लक्षण हैं। रिपोर्ट कार्ड जब आता है तो चार तस्वीरें उभरती है, या तो कोई डिस्टिंक्शन लाता है या कोई पास होता है, कभी कभी सप्लीमेंट्री भी आती है और कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। ये सब करनी का आंकड़ों की शक्ल में वो फल होता है जिसके आने के बाद या तो खुशी में पार्टी होती है या गम में रोना धोना। लेकिन अब कहानी दूसरी है। अब हम और आप मिलकर बनाएंगे वो रिपोर्ट कार्ड जिसका असर राजनीति के सूरमाओं की तकदीर पर होगा। वादों की लफाजियों की कॉपियों को जांचेंगे आप और तय करेंगे कि कौन झूमेगा, नाचेगा, गाएगा और कौन रोएगा, धोएगा, झल्लाएगा। पिछले 5 साल किस सांसद ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वक्त आ गया यह तय किया जाए। नतीजे तो आपके वोट तय करेंगे, लेकिन जरूरी है कि एक लकीर खींची जाए, तोला सतोला जाए उन नेताओं के काम को जिन्होंने 5 साल पहले आपकी दर पर आकर बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वायदे किए। कितने खरे उतरे ये अपनी ही कही हुई बातों पर, इसका पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे हम रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर की। राजस्थान के मानचित्र पर सबसे ऊपर आने वाले जिले का राजनीतिक महत्व भी बहुत है। सबसे पहले जानते हैं श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर किसानों का जिला, खेतों का जिला, नहरों का जिला, भूमिपुत्रों का जिला। पीली सरसों के खेतों में कंघी करती हवाएं और सफेद कपास की जगमगाहट के बीच मेहनत करते किसान। ये वो शहर है जिसे देखने के बाद हर कोई कह उठता है, ये रेगिस्तानी प्रदेश का नखलिस्तान है। जितना खास यहाँ का आम आदमी है, उतनी ही खास है सियासत। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर की सियासत न सिर्फ बीकानेर संभाग को प्रभावित करती है, बल्कि यहाँ की सियासत का सीधा असर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा पर भी पड़ता है। और जाहिर है, जब एक एक सीट का महत्व इस लोकसभा चुनाव में हो तो दोनों दिग्गज पार्टियों के लिए यह जिला सबसे खास बन जाता है। श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय सीट श्री गंगानगर, सांसद भरत राम मेघवाल कांग्रेस से, कुल वोटर्स 14,75,655, महिला वोटर 6,87,024, पुरुष वोटर्स 7,88,631। जीत का मंत्र श्री गंगानगर में किसान वोट बैंक है। वहीं श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां हाल ही के विधानसभा चुनाव में उभरी तस्वीर यहां के परिदृश्य को काफी कुछ साफ कर देती है। विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर गुरुजन सिंह बीजेपी से विधायक, गंगानगर कामिनी जिंदल जमींदारा पार्टी से, करणपुर सुरेंद्र पाल सिंह बीजेपी से, सूरतगढ़ राजेंद्र सिंह भादू बीजेपी से, राय सिंह नगर सोना देवी जमींदारा पार्टी, संगरिया कृष्ण कड़वा बीजेपी से, हनुमानगढ़ राम प्रताप बीजेपी से, पीलीबंगा द्रौपदी बीजेपी से। सियासी तस्वीर ये बात साफ करती है कि कहानी भाजपा के पक्ष में है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ। लेकिन इस बीच 2 विधानसभा सीटों पर जमींदारा पार्टी का जीतना यह भी जता रहा है कि वोटों के गणित में दखल तीसरी ताकत का भी है। प्रदेश का धान का कटोरा कहलाने वाला श्री गंगानगर कई मायनों में अहम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे इस जिले का राजनीतिक महत्व भी है।
हालांकि नेताओं ने जिले की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाई भी है, उठाई भी है, लेकिन अभी भी जिला समुचित विकास की बाट जो रहा है। उत्तर में पंजाब तो पश्चिम में पाकिस्तान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बसा श्री गंगानगर जिला देश में अपनी विशेष पहचान रखता है। 5 दिसंबर 1925 को स्थापित इस जिले की ख्याति अन्न के कटोरे के रूप में है। इस रिजर्व लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 11,155 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया खेती है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद 2 विधानसभा पीलीबंगा और सूरतगढ़ को श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया तो नोहर और भादरा विधानसभा को हटाकर चूरू में शामिल कर दिया गया। इस सीट पर लगभग 15 लाख वोटर हैं, जिसमें सिख, अरोड़ा, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिए और जाट वोटर ज्यादा हैं। पिछली बार यहां से कांग्रेस के भरतराम मेघवाल सांसद चुने गए। केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी मेघवाल ने क्षेत्र के विकास में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। साल 2009 में सांसद भरतराम मेघवाल 4,76,000 वोट लेकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा के निहाल चंद को 1,40,000 वोटों से हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में सांसद भरतराम का किसानों से किया वादा अभी भी अधूरा है। वर्तमान विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा और 2 पर जमींदारा पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाए। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस समय माहौल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन जमींदारा पार्टी को कम आंकना बड़ी चूक होगी। वर्तमान में टिकट की दौड़ में कांग्रेस से भरतराम मेघवाल के अलावा जिला अध्यक्ष कुलदीप इंदौरा भी शामिल हैं, तो भाजपा से पूर्व सांसद निहाल चंद, कैलाश मेघवाल, पूर्व मुख्य सचेतक और विधायक ओपी महेंद्रा और द्रौपदी मेघवाल भी दौड़ में बनी हुई हैं, तो जमींदारा पार्टी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में हार जीत का मुख्य मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार ही रहने की उम्मीद है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो श्री गंगानगर के राजनीतिक मानचित्र पर कई रंग नजर आते हैं। कहीं कांग्रेस का हाथ है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता के बीच अपना जौहर दिखा रहा है। आइए जानते हैं श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की हिस्ट्री रिपोर्ट। इस हरे भरे जिले में खेत है, खलियान है, किसान है और नहरें हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में जनता की मोहब्बत किस पार्टी के साथ और किस नाम के साथ रही है। 1952 से 1971 तक पन्ना लाल बारूपाल कांग्रेस के टिकट पर लगातार 5 बार जीतते आए। 1977 में बदलाव की आंधी के बीच बेगा राम चौहान जनता पार्टी के टिकट पर जीते, लेकिन 1980 के चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस के बीरबल राम यहां से विजयी रहे। 1984 के चुनावों में भी कांग्रेस का ही परचम फहराया बीरबल राम एक बार फिर से संसद पहुंचे। 1989 में जनता दल के टिकट पर बेगा राम संसद एक बार फिर पहुंचे। वहीं 1991 में बीरबल राम ने एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार श्री गंगानगर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और निहाल चंद यहां से सांसद चुने गए। 1998 में शंकर पन्नू ने यहां से जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस को एक बार फिर श्री गंगानगर में काबिज किया। 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत दर्ज की और निहाल चंद संसद पहुंचे। 2004 की तस्वीर भी 1999 की तरह ही रही। एक बार फिर से निहाल चंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचे। पिछले चुनाव यानी कि 2009 में भरतराम मेघवाल कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए, बशर्ते बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में इस इलाके में परचम लहराया हो। लेकिन इतिहास कांग्रेस के साथ है, जो कि अब तक हुए 15 लोकसभा चुनावों में से 10 बार कांग्रेस ने अपना परचम श्री गंगानगर में फहराया है। वक्त अब यह जानने का है कि सांसद महोदय हैं कौन और क्या क्या है इनके बायोडेटा में। फिलहाल श्री गंगानगर से सांसद भरतराम मेघवाल का जन्म 11 जनवरी 1956 को अलवर के फतेहपुर में हुआ।
राजस्थान विश्वविद्यालय और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मेघवाल ने बीए बीएड की पढ़ाई पूरी की। पेशे से मेघवाल शिक्षक और किसान हैं। बचपन से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। धार्मिक और देशभक्ति फिल्में देखना भरतराम मेघवाल की पहली पसंद है। इस बीच जानना जरूरी है कि लोगों का सांसद महोदय के बारे में कहना क्या है। जानना यह भी जरूरी है कि क्या क्या आशाएं लोगों की थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी। जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। सेंटर में भी उनकी सरकार थी, राज्य में उनकी सरकार थी, पर उन्होंने फिर भी हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए युवा उनसे बहुत ही मतलब सेटिस्फाई नहीं है, नाराज हैं। तो इसलिए वो उनको उनके लिए जो 10 में से नंबर दिए जाते हैं वो सारे हमारे जो सांसद हैं उनसे जनता को काफी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों के मुकाबले उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जैसे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में बहुत काम करवाने वाले थे, इन्होंने नहीं करवाए, तो इनको 10 में से 3 नंबर मिलते हैं। भरत मेघवाल को हमने बड़ी हुई उम्मीदों से भरपूर वोट देकर जिताया था। हमें उम्मीद थी कि ये शहर के लिए, जिले के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। बम विस्फोट में जो लोग घायल हुए थे माइंस के द्वारा, वो भी यहाँ भटकते रहते हैं, ना उनकी सुनवाई हुई। जमीन जिनकी बॉर्डर पे जमीन है, ना उन लोगों के बारे में उन्होंने कुछ किया, सिवाय उन्होंने समारोह में भाग लेने के अलावा कोई अपनी तरफ से काम नहीं किया जिससे संतुष्ट हो। तो उनका कार्यकाल इतना बुरा रहा है कि अगर नंबर देने की बात आती है तो उन्हें 1 नंबर से ज़्यादा देना गलत होगा। इस जिले के युवाओं ने बड़ी उम्मीदों के साथ जिताया था, उनको सभी युवाओं को ये भरोसा था कि ये गंगानगर के युवाओं के लिए कुछ करेंगे, अलग हटके करेंगे जो बाकी सांसदों ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सेंटर और राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं लागू होती हैं उसका इस जिले के युवाओं को कोई फायदा नहीं मिला। तो अगर नंबर देने की बात आती है तो इस जिले का युवा इनको 2 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। इसलिए जिताया था ताकि वो युवाओं के लिए कुछ करें, पर सेंटर में भी उनकी सरकार थी और राज्य में भी उनकी सरकार थी, पर उन्होंने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम उनको 10 में से 2 नंबर देते। भरतराम जी यहाँ के सांसद है गंगानगर लोकसभा सीट के, परंतु हम तो उनको भूल ही चुके हैं अभी, वो यहाँ के सांसद है कि नहीं है, क्योंकि हमें कहीं भी वो नजर नहीं आए। नंबर दिए जाए तो इनको 2 या 3 अंक से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। इस जिले का दुर्भाग्य है और जितने भी मुद्दे हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे कोई पीड़ित महिलाओं के मुद्दे हो, ये हमेशा ही उन मामलों को लेकर लुप्त रहे हैं। किसी ने इनको लोकसभा में नहीं देखा, किसी ने इनको लोकसभा क्षेत्र में नहीं देखा, किसी ने इनको संसद में नहीं देखा, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम तो इनको 10 में से 0 नंबर के लायक हैं, पर 1 नंबर हम इनको देंगे ताकि ये लोगों को मुँह दिखाने के लायक। जिस उम्मीद से हमने इनको जिताया था, अभी ये बॉर्डर एरिया है जो इसका विकास, लेकिन जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी हुई है। और जैसे ये कह रहे थे कि नेशनल हाईवे का ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन अभी तक जैसे इनके आने से पहले भी टूटा हुआ था, आज भी टूटा हुआ है, और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है अभी ये कुछ हो जाएगा इसका। तो मैं हमारे सांसद भरतराम मेघवाल को 10 में से 3 नंबर देता। मेघवाल, डॉक्टर भरत मेघवाल को बहुत अच्छे बहुमत से आम आदमी ने जिताया और उसके उन्हीं बातों पे वो खड़े आज की डेट में खड़े नहीं उतरे। एमपी चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, मगर इनको जितने वोटों से जिताया गया उतने कार्य काल में इन्होंने कार्य नहीं करे और जनता की उम्मीदों पर पूरे खड़े नहीं उतरे। और इनको नंबर देने के मामले में इनको 1 नंबर देता हूँ मैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो जानेंगे पब्लिक रिपोर्ट।